जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मनमोहन रीजनिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान ग्राम सेवक की भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आए हम आपके लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने वनों के विकास के लिए नीति बनाई? जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, अलवर रियासत। राइट ऑप्शन होगा जोधपुर रियासत, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाए जाने वाला वृक्ष महोत्सव किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? वर्ष 1975, वर्ष 1976, वर्ष 1977, वर्ष 1978। राइट ऑप्शन होगा वर्ष 1978, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर कैलाश साखला, अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव, मुकुल वासनिक कैलाश चौधरी। राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर कैलाश साखला, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण है? जयसमंद अभ्यारण, बंद बारेटा अभ्यारण, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट कब तैयार की गई? वर्ष 1953, वर्ष 1987, वर्ष 1981, वर्ष 1989। राइट ऑप्शन होगा वर्ष 1987, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बीसलपुर टोंक, रोटू नागौर, बीड झुंझुनू, गोगेलाव सीकर। राइट ऑप्शन होगा गोगेलाव सीकर, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, मासिया, शेरगढ़, नाहरगढ़, आकल, सज्जनगढ़ और वन विहार, आकल और माचिया। राइट ऑप्शन होगा नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? 9 सितंबर 1972, 1 सितंबर 1973, 1 अप्रैल 1973, 1 नवंबर 1980। राइट ऑप्शन होगा 1 सितंबर 1973, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर किसे कहा जाता है? सरिस्का अभयारण्य, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। राइट ऑप्शन होगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 और 5। राइट ऑप्शन होगा 3, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों का सही क्रम है? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, उदयपुर, आकल और प्रतापगढ़, अलवर, प्रतापगढ़, उदयपुर, हनुमानगढ़, चूरू और जोधपुर। राइट ऑप्शन होगा उदयपुर, आकल और प्रतापगढ़, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की
प्राकृतिक धरोहर में केवलादेव घना पक्षी विहार को कब शामिल किया गया? वर्ष 1985, वर्ष 2010, वर्ष 1983, वर्ष 1986। राइट ऑप्शन होगा वर्ष 1985। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, मानसी, वाकल और सोम नदी किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? फुलवारी किनाल अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य। राइट ऑप्शन होगा फुलवारी किनाल अभ्यारण्य। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और प्रतापगढ़। उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। राइट ऑप्शन होगा बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? वर्ष 1981, वर्ष 1982, वर्ष 1985, वर्ष 1990। राइट ऑप्शन होगा वर्ष 1981। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन एवं वन्य जीव के सुरक्षा के लिए, वृक्षारोपण के लिए, वन सुरक्षा के लिए, उद्यानों के सौंदर्यकरण के लिए। राइट ऑप्शन होगा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, भीमसोरी मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? रणथंभौर, केवलादेव, मरु उद्यान, मुकुंद्रा हिल्स। राइट ऑप्शन होगा मुकुंद्रा हिल्स। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या होता है? जलोद्भिद, अधिपादक, मरुद्भिद, क्रोया फाइट्स। राइट ऑप्शन होगा मरुद्भिद। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? 12,475 वर्ग किमी, 18,217 वर्ग किमी, 2,045 वर्ग किमी, 32,737 वर्ग किमी। राइट ऑप्शन होगा 32,737 वर्ग किमी। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? सिरोही, श्रीगंगानगर, नागौर और चूरू। राइट ऑप्शन होगा सिरोही। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पैंथर प्रोजेक्ट का संबंध किस अभ्यारण्य से है? कुंभलगढ़ अभ्यारण, जम्मा रामगढ़ अभ्यारण, भैंस रोडगढ़ अभ्यारण, फुलवारी किनाल अभ्यारण। राइट ऑप्शन होगा कुंभलगढ़ अभ्यारण। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।